So today, what we are going to learn? We are going to learn verbs. Verbs in English. देखिए, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि सर मैं वर्ब लिस्ट याद करने की कोशिश करता हूं और मैं वर्ब याद नहीं कर पाता हूं, तो आज के सेशन में हम लोग लर्न करने वाले हैं 300 टू 400 वर्ब्स. कितनी वर्ब लर्न करेंगे हम लोग? 300 टू 400 वर्ब्स. यस, एंड आई विल टीच यू ऑल दिस वर्ब्स विद टेक्निक. जी हाँ, टेक्निक के थ्रू पढ़ाऊंगा. तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले कि तो वर्ब की फॉर्म्स को समझें. वर्ब्स की फॉर्म्स के आधार पर इसकी तीन कैटेगरी बनाई गई है. पहली कैटेगरी बनाई गई है आपकी रेगुलर वर्ब. कौन सी वर्ब? रेगुलर वर्ब. ऐसी वर्ब जो नियमित हो, इसे हिंदी में कहते हैं नियमित क्रिया. दूसरी बनाई गई है इरेगुलर वर्ब. ये फॉर्म्स के आधार पर कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो वर्ब्स की तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है. फॉर्म्स के आधार पर तीन कैटेगरी है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर. इरेगुलर का हिंदी मतलब होता है अनियमित. अनियमित जो रेगुलर नहीं हो, है ना, इरेगुलर जो नियमित नहीं हो. और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है सिंपल वर्ब्स. तो तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं. अगर मैं सबसे पहले बात करूं रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते हो. जैसे देखो, एक वर्ब मैंने लिखा प्ले. प्ले की सेकंड फॉर्म क्या बनती है पता है? प्लेड. थर्ड फॉर्म क्या बनती है? प्लेड. तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, प्ले, प्लेड और प्लेड, तीन अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स बन रही हैं. तो ये हो गई आपकी रेगुलर वर्ब. क्या कहा मैंने पहले, ये बताऊं, रेगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते हो. जैसे आपने एक वर्ब कही कंसिडर. कंसिडर करना मतलब होता है किसी चीज को मानना. इसकी सेकंड फॉर्म पता है क्या होती है? सबको पता है, ईडी लग जाए कंसिडर. और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, कंसिडर्ड. तो ये रेगुलर वर्ब हो गई. बहुत सारी वर्ब, मतलब अगर आपको देखा जाए तो 90% वर्ब आपकी कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब होती है, नियमित क्रियाएं होती है जिनमें आपको ईडी लगाना होता है. आज मैं डेमो देकर भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना. प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको वर्क करता है. ये सारी की सारी जो वर्ब है, दिस इज द रेगुलर वर्ब स्टूडेंट. एक्ट, आंसर, अपॉइंट, admire, abuse, add, advise, attack, allow, appear, arrive, and many more. So all these verbs are actually the regular verb. Why they are considered as a regular verb? Because in second form you can see ed, 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 ed. Now here in admire already the e is written, so we just have to use d only. ई पहले से दिया, आपको सिर्फ डी एड ऑन करना है उसमें. अब्यूज में ऑलरेडी ई लिखा है, आपको डी लगाना है. ऐसे ही एडवाइस में ऑलरेडी आपको ई लगा है, डी लगाना है. एडवाइस देखो, ये वाला एडवाइस है, एस ई वाला, इसमें डी लगेगा, एडवाइज्ड. एक सलाह जो होती है उसमें सी ई लगता है, उस सलाह देने, ये सलाह होता है, ये नाउन है. और ये एडवाइस आपका वर्ब है, है ना. ऐसे देखो, अटैक, हमला करना. तो आज यही करने वाले हम लोग, वर्ब्स को ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. अब देखो, दूसरा जो कैटेगरीज हैं वो आपकी कौन सी है उसको समझो. दूसरी कैटेगरी जो है वो है इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर वर्ब मतलब अनियमित क्रिया, ऐसी क्रिया जो अनियमित हो. अब अनियमित हो सो मेरा आशय है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा एक वर्ब यहां गो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड होगी गॉन. आप देख सकते हैं फर्स्ट कुछ और, सेकंड कुछ और, थर्ड कुछ और ही होगी. तो ये अनियमित क्रिया है. ऐसे ही आपने कहा सी, सा, सीन. ऐसे ही आपने कहा स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ऐसे ही आपने कहा टीच, टॉट, टॉट. ऐसे ही आपने कहा थिंक, थॉट, थॉट. तो आज मैं आपको इसी रेगुलर वर्ब में कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से हम इन वर्ब्स को जल्दी लर्न करेंगे. तीसरा वर्ब की जो कैटेगरी हमने आपको दी है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल वर्ब्स. अब सिंपल वर्ब क्या होता है? जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे कट, कट, कट. आप देख सकते हैं तीनों एक जैसी हैं. ऐसे ये पुट, पुट, पुट. ऐसे ये हर्ट, हर्ट, हर्ट.
आप देख सकते हैं कि इन वर्ब्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने कहा शट शट शट, तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आप नहीं करते हैं। सिंपल वर्ब्स, इनको हम कैटेगरी में, और ज्यादा नहीं है, 8-10 हैं जो हमको लर्न करनी है। तो मैं आज आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं इरेगुलर वर्ब। व्हाट आई एम टीचिंग यू इरेगुलर वर्ब, क्योंकि देखो रेगुलर वर्ब में तो आप आसानी से लर्न कर लोगे कि आपको ईडी लगाना है ना, क्योंकि रेगुलर वर्ब में ईडी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इरेगुलर वर्ब जो होती है इनके कॉन्सेप्ट अलग ही होते हैं भैया। जैसे देखिए, एक वर्ब हमने लिखी स्लीप, एक हमने लिखी कीप, एक हमने लिखी फील। अब देखो ये सब एक जैसी चलेंगी, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, क्या चलेंगी बोलो, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, ऐसे ही कीप कैप्ड कैप्ड, ऐसे ही फील फेल्ट फेल्ट। ठीक है, इसके अलावा कोई और वर्ब्स होगी तो आप बताइएगा। अगली कैटेगरी देखो, अगली कैटेगरी है सिंक सिंग, ड्रिंक बिगिन, ठीक है ना, ये सब एक जैसे चलते हैं आपके, स्विम स्विंग। ठीक है, किसी का मीनिंग नहीं पता हो तो पूछ लेना। एक होता है श्रिंक, और भी काफी सारी वर्ब आप खुद सजेस्ट करिएगा। सिंक मतलब होता है डूबना, सिंक सैंक संक, सिंग सैंग संग। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आई है, यहां ए है, यहां यू है, यहां आई है, यहां ए है, यहां यू है। एवरीबडी हैज टू फोकस। यस, सिंग सैंग संग, सिंग यानी गाना, सिंग यानी डूबना होता है, नाव का डूबना, स्पेशली जहाज का डूबना। अगर इंसान डूबेगा तो वो रेगुलर वर्ब बन जाएगी, ड्रॉन, डी आर ओ डब्ल्यू एन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉन, एडी लगता है इसमें। ऐसे देखो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म बनती है ड्रैंक, और थर्ड बनती है ड्रंक। ऐसे होता है बिगिन, यहां आई लगा है तो बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, थर्ड फॉर्म होती है बिगन। याद करना पड़ेगा भैया ये सारी चीज हमको, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, बिगिन बिगिन बिगन, स्विम स्वैम स्वम, स्विंग स्वैंग सॉन्ग, श्रिंक श्रैंक श्रंक, सिंक सैंक संग, सिंग सैंग संग। इसके अलावा और जो आपके दिमाग में ऐसी कोई वर्ब आ रही है तो आप कमेंट करके बताओ। स्विम स्वैम, और यहां पर लग जाता है यू, स्वम। ऐसे स्विंग मतलब झूले झूलना, स्विम मतलब तैरना, ये दोनों में अलग है, ये तैरना होता है, ये झूले झूलने होता है। झूले झूलने की सेकंड फॉर्म होती है स्वैंग, और थर्ड होती है स्वैंग। ऐसे ही श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ना भाई, सिकुड़ना की सेकंड फॉर्म भी श्रंक और थर्ड भी श्रंक होती है। ऐसे जो डंक मारता ना बिच्छू उसको कहते हैं स्टिंग, स्टिंग की सेकंड फॉर्म भी होती है स्टंग और थर्ड भी होती है स्टंग, एस टी यू एन जी। ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, स्टिंग बिच्छू जो डंक मारता है उसको कहते हैं स्टिंग स्टंग स्टंग, श्रिंक यहां ए नहीं डायरेक्ट यू लगा देते हैं अपन, श्रिंक श्रंक श्रंक। तो श्रिंक यानी क्या होता है, सिकुड़ना किसी चीज का। एक ऐसे ही होता है रिंग, एक रिंग ये भी होता है और एक रिंग ये भी होता है, ये रिंग रिंग द बेल वाला होता है, रिंग रैंग रंग, बोलता ना रिंग द बेल, घंटी बजाओ, सो दैट इज रिंग। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड होती है रंग। अब ये इसमें आगे डब्ल्यू लग जाता है तो ये होता है रिंग, ये रिंग होता है निचोड़ना, क्या होता है निचोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रंग और थर्ड भी होती है रंग, इसमें ए नहीं लगाते भाई, डायरेक्ट यू लगता है इसमें, ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है। रिंग रंग रंग, रिंग रैंग रंग, स्टिंग स्टंग स्टंग, श्रिंक श्रंक श्रंक, स्विंग स्वैंग स्वंग, स्विम स्वैम स्वम, बिगिन बिगिन बिगन बिगन, है ना, जी यू एन है बिगन बिगन, गन एन बंदूक होता है ना वो वाला बिगन। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सिंग सैंग संग, सिंक सैंग संग। 2-3-4-5 बोलोगे वैसे ही ये टेक्निक आपको लर्न हो जाएगी, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, है ना। चलो अब ऐसी कोई सी मुझे ऐसी वर्ब रिकमेंड करो जिनमें डबल ई आ रहा हो और इसी पैटर्न पे चेंज हो रही हो। हाँ, एक स्ट्रिंग भी होता है, वेरी गुड, एस टी आर आई एन जी। स्ट्रिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को पिरोना, जैसे धागे में आप मोती पिरो तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। इसकी भी सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रेंग और थर्ड होती है स्ट्रंग, तो ये थोड़ा ध्यान देना। स्ट्रिंग स्ट्रेंग स्ट्रंग, है ना,
कोई चीज को पिरोना। तो ये आप देख सकते हैं सब में आई लगा है, यू हो रहा, सेकंड में यू ए लग रहा है और थर्ड में आपका यू लग रहा है, कुछ को छोड़ के, ठीक है ना। चलिए अगली वर्ब में आपको बता रहा हूं, सभी ध्यान देना, अगली वर्ब के टेक्निक देखना। जैसे आपने एक वर्ब लिखा है स्पैंड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है स्पैंट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पैंट, मतलब ये जो डी है ये टी में बदल जाता है, स्पैंट यानी खर्च करना। अब ऐसे ही एक वर्ब होती है, ध्यान देना, सेंड मतलब किसी को कहीं भेजना, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। ऐसे बैंड यानी झुकना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंट और थर्ड फॉर्म भी बैंट। एक होता है बिल्ड, बी यू आई एल डी, ध्यान दीजिएगा, बिल्ड मतलब होता है किसी भवन या मकान का निर्माण करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है बिल्ट। तो एक कैटेगरी आपकी ये वाली हो गई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं वीप वेप्ट वेप्ट, रोना, फील फेल्ट फेल्ट, महसूस करना, कीप कैप्ट कैप्ट, रखना किसी चीज को, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका हो गया। एक स्वीप भी होता है, स्वीप करना, किसी चीज को साफ करना, क्लीन करना, झाड़ू देना, इसके लिए सेकंड फॉर्म होती है स्वैप्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है स्वैप्ट, ठीक है। तो स्वीप स्वैप्ट स्वैप्ट, है ना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। तो ये तीन कैटेगरीज अभी मैंने आपको बताई हैं, तीन कैटेगरीज के बाद में मैं अगली कैटेगरी पर आपको लेकर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। अगली कैटेगरी थोड़ी अलग है, जिसे लिखा है थिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थिंक थॉट थॉट, एवरीबडी, सोचना, थिंक थॉट थॉट, बोलो तो एक बार। अब ऐसी वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग brought, brought, ऐसी होता seek, seek क्या होता है खोजना, seek की second form पता है क्या होती, sought, seek sought, sought, ऐसे ही buy, buy ने होता खरीदना, buy, bought, bought, buy, bought, bought, think, thought, thought, bring, brought, brought, seek, sought, sought, हाँ, teach, taught, taught, very good, टीच भी इसी पैटर्न पे चलता है, टीच टॉट टॉच, ये देखो भाई एक ये बन गया आपका, राइट। चलो एक कैटेगरी ये आपकी बन के तैयार हो गई। एक आप ये वाली देखो, ग्रो ग्र्यू ग्रोन, ग्रो मतलब उंगना या बढ़ना, नो न्यू नॉन, नो यानी जानना। एक आप इसी में लिखो फ्लाई, फ्लाई ने होता उड़ना, ये अलग ही चलता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ध्यान देना, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ग्रो ग्रू ग्रोन, नो न्यू नॉन। ओके, अब हम लोग जो है ना वॉब, जो हमारी लिस्ट है वॉब लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और उनमें से ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इरेगुलर वॉब की ओर, और बिल्कुल इन इरेगुलर वॉब्स को अभी हम पढ़ते भी हैं और इनमें से जो काम की चीज़ है उसको निकालते भी हैं। तो मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी तरह अटेंटिव हो जाएंगे। देखो भैया, ये आपका लिखा है परसोना इरेगुलर वॉब्स पार्ट वन, परसोना इंस्टीट्यूट की इरेगुलर वॉब में पहला पार्ट है ना। तो बेसिकली तीन वर्ब्स होती है, लेकिन हमने आपको है ना चार फॉर्म्स दिया है, एक आईएनजी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक एस और ईएस वाला फॉर्म भी हमने आपको दिया है। आइए मैं आपको ये तीन फॉर्म की कैटेगरी के बेसिस पर सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कैटेगरी में हमने जो पहली वर्ब रखी है अराइज, ठीक है, अराइज अरोज अराइजन। अब देखो अराइज के जैसे ही एक वर्ब होती है राइज, राइज और अराइज दोनों सिमिलर पैटर्न पे काम करेगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा से क्या होता है उदय होता है, तो उदय होना, आगे बढ़ना किसी का, दैट इज राइज। और अराइज का मतलब होता है उठना, बढ़ना, उठना, ठीक है, दैट इज द अराइज। इसके सेकंड फॉर्म है अराउज और थर्ड अराइजन, ठीक है, दैट इज। अबाइड मतलब होता है रहना, अब रहना कौन से, कहीं पर डटे रहना, जैसे बोलते ना अबाइड बाय योर प्रोमिसेस, अपने कमिटमेंट पर, अपने प्रॉमिस पर क्या रहो, डटे रहो, टिके रहो, दैट इज अबाइड। इस अबाइड की सेकंड फॉर्म अबोर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड होती है स्टूडेंट। तो अबाइड अबोर्ड अबोर्ड, दो बार बोलो सभी, अबाइड अबोर्ड अबोर्ड, है ना, कहीं पर रहना। अवेक मतलब होता है जागना,
ठीक है। अवेक मतलब क्या होता है, जागना, अवोक जाग गया, अवेकन जाग चुका है, है ना। सो दिस इज, और जागे हुए इंसान को अवेकन कहते हैं। इसी अवेकन में ईडी लग जाता है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, अवेकन जगा हुआ, है ना। नाउ इसी के बाद नेक्स्ट है आपका अवेक अवोक अवेकन के बाद में बी। बी मतलब होता है होना, किसी का होना या बनना, दैट इज। इसकी सेकंड फॉर्म आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, वाज और वर दी है। आप जो टू बी टू हा पढ़ते हो ना, तो उसमें जो वाज और वर आता है वो एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्या होती है बीन, और आई एन जी लगने पर इसमें बिंग हो जाता है, और वो जो एस और एस वाली फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। इसके बाद है बियर। वियर का एक मतलब होता है जन्म देना, एक बियर का मतलब सहन करना भी होता है ना, टोलरेट करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर्न और थर्ड फॉर्म होती है बॉन्ड। तो बियर बोर बॉन्ड, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, बियर बोर बॉन्ड, ठीक है। और उसी में आईएनजी लगा बियरिंग, तो ये जन्म देने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। एक है बिकम, बिकम मतलब होता है होना या बनना, बोलते ना आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो आप सभी ने एक वर्ब पढ़ी होगी कम केम कम, हम सब ने पढ़ी है कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है कैम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है कम। तो कम केम कम यही होती है हमारी, कम केम कम। अब इसी के आगे आप क्या करो, बी लगा दो। तो बिकम यानी बनना, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। भाई हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना, क्योंकि आज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा वर्ब्स की फॉर्म में प्रॉब्लम आती है। चलिए अगला देखो बिल्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने बिल्ड के जैसे कुछ वर्ब आपको बताई थी, एक बताई थी आपको सेंड, एक बताई थी आपको स्पेंड, याद है, एक आपको बताई थी बैंड, क्योंकि इसके लास्ट में डी लगा है। तो डी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बिल्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बिल्ट। तो बिल्ड बनाना, स्पेशली मकान भवन बनाना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बिल्ड योर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्ड करना, शरीर को बनाने के सेंस में बिल्ड का यूज होता है। चलो बाय, बाय ने खरीदना, इसका समझा चुका हूं मैं। बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉट, सीक सॉट सॉट, फील, इसके बाद ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉट, है ना। ये देखो ब्रिंग वाली सीरीज भी इसके नीचे दी है। ब्रिंग यानी होता कहीं से लाना कोई चीज, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। अगली सीरीज है ब्लीड, ब्लीड की सेकंड फॉर्म होती है ब्लेड। अब देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है ब्लीड के जैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहां लिखना चाहूंगा जिसे लिखा है ब्लीड, ब्लीड मतलब खून बहना। फीड, फीड मतलब होता है किसी को खिलाना। फ्ली, फ्ली मतलब होता है कहीं से भाग जाना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, उसमें फ्ली को तो मत लो आप, फ्ली को इंक्लूड, क्योंकि वो अलग चला जाएगा। ब्लीड की सेकंड फॉर्म होगी ब्लेड, फीड की सेकंड फॉर्म होगी फैट। आप ध्यान से देखो एक ई को हम हटा रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। तो ब्लीड ब्लेड ब्लेड, फीड फैड फैड, ठीक है। ये फीड का मतलब होता है खिलाना, या फिर माँ जो है बच्चे को खाना खिला रही है, ठीक है, उसके लिए भी फीड का उपयोग होता है। तो ब्लीड एंड फीड दोनों सिमिलर चलते हैं, खून का बहना ब्लेड हो गया, फीड की सेकंड फॉर्म फैड हो गया। तो ऐसे लर्न करना थोड़ा सा। चलो अगला देखो नेक्स्ट आपका, ये बैंड एंड झुकना, ये आपको मैं बता चुका था ऑलरेडी। बैंड सैंड स्पैंड सब एक ही कैटेगरी में काम करते हैं। बैंड एंड झुकना सेकंड फॉर्म क्या होगी बैंड। बर्न, अब यह देखो इधर कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे बर्न, लर्न, ड्रीम, ये ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स जिनमें लास्ट में टी लगाते हैं हम लोग। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी यहां पर ध्यान दें ताकि आपको ये चीजें अच्छे समझ में आए। देखो एक तो है बर्न, एक है लर्न, एक है आपका ड्रीम, और भी इसके अलावा कुछ होता बताइएगा। बर्न की सेकंड फॉर्म होगी बर्नड, लर्न की सेकंड फॉर्म होगी लर्नड, ड्रीम की सेकंड फॉर्म होगी ड्रीम्ड। आप देख सकते हैं इनके सेकंड फॉर्म में टी लगा रहे हैं हम लोग, और थर्ड भी यही होगी बर्नड लर्नड और ड्रीम्ड, जो सेकंड है वही थर्ड होगी। इसके अलावा कोई ऐसा जो होगा, हाँ बीट बीट बिटन होगा, सैंड का बता तो दिया है, सैंड सैंड सैंड, ठीक है ना।
ये भी आपको बताया तो सही भैया आपको, सेंड बैंड, ठीक है, इसके बाद में बिल्ड, इन सब में सेंड जहां डी लगा है वहां टी लग जाए। तो ये तीनों वर्ब ऐसे लर्न करना आपकी भाई, बर्न बर्न बर्न, लर्न लर्न लर्न, और ड्रीम ड्रीम ड्रीम्ड, ऐसे चलता है। ये देखो ये लिखा ना, स्पैंड सेंड बैंड ओ बिल्ड, स्पैंड सेंड बैंड ओ बिल्ड, ठीक है ना। इसके बाद है बीट, भाई बीट बीट बीट, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, बीट की सेकंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन, बीट बीट बीटन। ओके, बाइट काटना होता है, दांत से काटना, अगर आप किसी औजार से किसी चीज को काट रहे हो तो कट होगा, चॉप होगा, चॉप का मतलब समझते हो, चॉपिंग करना मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में काटना, दैट्स कॉल्ड चॉपिंग, है ना, सो दैट इज चॉप। सो चॉप की सेकंड फॉर्म होती है चॉप्ड, इसमें डबल पी ओ की ईडी लगता है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है ना, डबल पी हो जाएगा फिर ईडी लगेगा चॉप, लेकिन कट 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 तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। और ये बाइट दांत से काट रहे हो आप, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बाइट बिट बिटन, बोलो एक बार, बाइट बीट बिटन, बाइटिंग और बाइट्स। बिहोल्ड मतलब होता है किसी चीज को देखना, उससे पहले होल्ड को देखो, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना जकड़ना, ठीक है, आपने सुना होगा प्लीज होल्ड ऑन योर कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू अनदर नंबर, कृपया बने रहे आपकी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की जा रही है, योर कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू अनदर नंबर, सो दिस इज होल्ड, ठीक है। तो होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, क्या है होल्ड की सेकंड फॉर्म, क्या है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या है हेल्ड, बोलो एक बार सभी, होल्ड हेल्ड हेल्ड, एवरीबडी हैज टू स्पीक, होल्ड हेल्ड हेल्ड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है बिगिन, भाई बिगिन मतलब होता है शुरू करना, हाँ एवरीबडी देखो इधर, बिड, बिड का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना, बिड बोली लगाना भी होता है, ये देखो नीचे लिखा है ये बिड बिड बिड, तीनों फॉर्म एक जैसी है तो बिड को तो छोड़ दो, बीट ही रिपीट हुआ है। ब्लो मतलब होता है हवा का चलना है, फूक मारना, सो ये भी अच्छा है, ब्लो हवा का चलना है, फूक मारना, ब्लो ब्लू ब्लॉन, है ना, ये बताई दिया मैंने आपको, ब्लो ब्लू ब्लॉन, ग्रो ग्रू ग्रॉन, तीनों ग्रो ग्रू ग्रॉन, ये सब एक जैसे हैं। ब्रीड पैदा करना, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, देखो ब्रीड, और इसके अलावा आपको कुछ और वर्ब्स मैंने बताई थी वो इसी पैटर्न पे चल रही थी, ये देखो ब्रीड ब्लीड फीड सेकंड फॉर्म ब्रेड, है ना, और थर्ड भी ए होगी, तो ये डबल ई का ए एक ही हट जाता है उसमें से हम लोग, है ना। चलो अगला देखो नेक्स्ट आपका, थोड़ा स्पीड से करते हैं, समय कम है हमारे पास में। चूज मींस होता है चुनना, चुनाव करना, सिलेक्शन करना किसी चीज का। ओके देखिए, ब्रीड के बाद है चूज, चूज मींस क्या होता है चुनना, सिलेक्शन करना, चुनाव करना, सेकंड फॉर्म चॉज और थर्ड फॉर्म चूजन, है ना। क्लिंग ये नहीं बताया था मैंने आपको, क्लिंग जो है इसका मतलब होता है चिपटना लिपटना, इसकी सेकंड फॉर्म है क्लंग, यहां यू लग जाता है देखो, और थर्ड फॉर्म है क्लंग, तो ये उसी के जैसे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने यहां पर आपको बताया था अभी, इसमें एक और वर्ब ऐड कर लो, क्लिंग सेकंड फॉर्म क्लंग और थर्ड फॉर्म क्लंग, ठीक है। देखो कितनी सारी वर्ब हो गई, क्लिंग स्ट्रिंग रिंग रिंग स्टिंग श्रिंक स्विंग स्विम बिगिन ड्रिंक सिंग और सिंक, इनमें से कुछ में देखो क्लिंग के साथ यू लग रहा है, ऐसे ही रिंग के साथ भी यू लग रहा है, ऐसे ही स्टिंग के साथ भी यू लग रहा है, श्रिंक के साथ भी यू लग रहा है, बाकी सब में ए लग रहा है, तो ये तीन चार के साथ आपको याद रखना किसमें यू यू दोनों में लग रहा है बस, बाकी तो ईजी है। चाइड मतलब क्या होता है, डांटना, किसी को डांटते हैं, डांटने के लिए एक वर्ड, एक वर्ब स्कोल्ड भी होती है, स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है डांटना, लेकिन स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्कॉल्डेड, क्या होती है स्कॉल्डेड। अब यहां पर जो चाइड है इसकी सेकंड फॉर्म है चिड और थर्ड है आपकी चिड़न या चिड, ये तीनों एक जैसी होती है। इसके बाद है कम केम कम, डी गेने होता है खोदना, डिग डग डग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डू डिड डन, ये याद रखना हमको, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन राइड रॉड रिडन ड्रीम सपने देखना है, देखो टी लग जाता है ड्रीम,
इसके बाद आपको बताया था एक वर्ब डील, एक आपको हमने बताया था लर्न, इनमें सब में टी लगता है. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये देखो ये ए हो गया, ये यू हो गया. ईट, एट, इटन, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है. ईट यानी खाना, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इटन. फ्लाई, उड़ना, फ्लाई. ग्रो, नो, याद है ना सब एक जैसे चल रहे थे. ग्रो, ग्रू, ग्रोन. नो, न्यू, नॉन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, है ना, इस तरीके से. फॉल, गिरना. फॉल, फेल, फॉलन. क्या बोलेंगे? फॉल, फेल, फॉलन. फॉरबिड, मना करना. फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन. फोरबियर, सहन करना किसी चीज को, टोलरेट करना. थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म फोरबोर्न और थर्ड फॉर्म फोरबोर्न. फॉरसेक, त्यागना, छोड़ना. फोरसूक और फोरसेकन, है ना. पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन. फोरसेक, फोरसूक एंड फोरसेकन. किसी चीज को त्यागना, छोड़ना, फोरसेक. अच्छी वर्ब है, याद रखना. चलो अगली वर्ब है सीक. सीक कहना होता है खोजना. थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना. सी कहने खोजना. सीक, सॉट, सॉट. थिंक, थॉट, थॉट. ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड. ये सब एक जैसे चलते हैं. से एने कहना. से, सेट, सेड. सेल मैंने बेचना. सेल, सोल, सोल्ड. सेंड एने भेजना. सेंट, स्पेंड. वो सब एक जैसे होते हैं. सी, सा, सीन, है ना. साइन, हस्ताक्षर करना. भाई गलती से ये वर्ब यहां पर आ गई है, साइन. एवरीवन, साइन जो है ये रेगुलर वर्ब है. आप देख सकते हैं साइन में क्या लिखा हुआ लास्ट में. साइन के सेकंड फॉर्म में ईडी लगाया है, तो ये रेगुलर वर्ब है. बाय मिस्टेक यहाँ आ गई है. स्मेल, सूंघना. स्मेल भी वैसे ही है. स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट. ये देखो टी लग जाता है एक एल हटकर. शाइन, चमकना. शाइन, शॉन, शॉन. किसी चीज का चमकना, दैट इज. शूट, गोली मारना. शूट, शॉट, शॉट. सिंग, गाना. सिंग, सैंग, संग. सिंक, डूबना. ये वैसे ही है. यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा. यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा. स्पीक, बोलना. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्टिंग, डंक मारना. भैया ये वो डंक मारने वाला है जो बंदे बताया था, बिच्छू डंक मारता है, उसके लिए. इसके सेकंड फॉर्म में आपको क्या करना है, इधर देखो सभी. ये रही आपकी वर्ब. ये रही सिंक, ये रही स्टिंग, ये रही स्विंग, ये रही स्विंग, ये रही स्ट्रिंग, और ये रही आपकी स्प्रिंग, उछलना. ये सब में देखो आई आ रहा है. अब इसके सेकंड फॉर्म देखो, यहां ए आ रहा है, यहां पर यू आ रहा है, यहां पर भी यू आ रहा है. स्विंग में, स्ट्रिंग में भी यू आ रहा है, और स्प्रिंग में ए आ रहा है. तो पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, दो में ए है, ठीक है, बाकी ये तीन में यू है, और थर्ड फॉर्म में तो सब में यू रहेगा. यहां भी यू, 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 और यहां भी यू. तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज हमको समझना है कि स्प्रिंग में होता है उछलना. स्प्रिंग यानी क्या होता है, उछलना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्प्रैंग और थर्ड फॉर्म होती है स्प्रंग, है ना. इसके बाद स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब होता है पिरोना. इसकी सेकंड फॉर्म स्ट्रंग और थर्ड भी स्ट्रंग. स्विंग यानी झूलना. इसकी सेकंड फॉर्म स्वंग और थर्ड भी स्वैंग. स्विम यानी तैरना. इसकी सेकंड फॉर्म स्वैम और थर्ड स्वैम. स्टिंग यानी डंक मारना. स्टंग, स्टंग. इसमें यू, यहां भी यू. गेटिंग? हाँ, स्टिंग का मतलब होता है, मयूरी सोनी जी ने बोला है, स्टिंग का मतलब होता है एक प्रकार से जो दुर्गंध होती है ना, उसके लिए होता है. तो उसके लिए भी स्टिंग, स्टंग, स्टंग, यू और आई वाला कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई करना है. चलो भाई ये याद रखना. थोड़ा सा टीयर. टीयर मतलब होता है फाड़ना. टीयर, टो, टोर. थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन यार पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें. थिंक, थॉट, थॉट. टेल मतलब होता है किसी को बचाना. टीच, टॉट, टॉट, है ना. टेक, लेना. टेक, टूक, टेकन. कम ऑन, टेक, टूक, टेकन. अब मान लीजिए स्टिक टेक के आगे मैंने मिस लगा दिया. मिस्टेक. मिस्टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिसटूक. और थर्ड क्या हो जाएगी, मिस्टेकन. देखो टेक ने लेना, मिस्टेक ने गलती करना. टूक उसकी सेकंड फॉर्म, मिस्टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मिसटूक, और थर्ड फॉर्म मिस्टेकन. तो मिस्टेक, मिसटूक, मिस्टेकन, ठीक है. टेक के आगे हमने मिस लगा दिया तो वो गया मिस्टेक, गलती करना. इसके बाद है ट्रेड. ट्रेड मतलब होता है किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना. ट्रेड की सेकंड फॉर्म होगी ट्रॉड और थर्ड होगी ट्रॉडन. तो ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन. एवरीबडी, ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन. नेक्स्ट थ्रो. थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना. थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना. दैट इज थ्रो, फेंकना. थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, ठीक है. थ्रो, थ्रू, अंडरस्टैंड, समझना. अंडरस्टूड, ये देखो अंडरस्टूड. थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड. ऐसे होता है स्टैंड. स्टैंड खड़े होना है. इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टूड. थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टूड.
इसी अंडरस्टैंड, इसी स्टैंड के आगे हमने अंडरस्टैंड लगा दिया, ठीक है। आंसू को टीयर नहीं कहते हैं, आंसू को टीयर्स कहते हैं। टीयर का मतलब होता फाड़ना, जिसे आपने एक पेंच लिया उसको फाड़ दिया, दैट इज टीयर। और जो आंसू आंखों से बहते हैं उसको टीयर नहीं कहते, उसको टीयर्स कहते हैं, उसमें एस लगा होता है, टीयर्स, ठीक है। चलो अंडरस्टैंड समझना। अनडू मतलब होता है खोलना किसी चीज को, या फिर जो चीज जैसी थी उसको बैसा के बैसा करना, अनडू। आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर में काम करते हो तो अनडू का एक ऑप्शन आता है, जिसमें जो चीज जैसी है उसको बैसा कर दो, अनडू, खोलना। और दूसरा अनडिड और अनडन। अंडरगो का मतलब होता है किसी चीज को अनुभव करना, तो अंडरगो, अंडरवेंट और अंडरगॉन। ये चीज याद रखना कि अगर आगे कोई नया वर्ड लगा हो ना तो पैटर्न वही फॉलो करेंगे, गो वेंट गॉन, तो अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन। ऐसे ही वेव, गुन्ना, वेव की सेकंड फॉर्म वो, थर्ड फॉर्म वोन। ऐसे ही विंड, विंड मतलब होता है चाबी भरना, ठीक है। और एक वर्ब ऐसी होती है विंड से ही, वाइंड अप, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, फिनिश करना, खत्म करना। मैंने कहा द क्लास विल वाइंड अप आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। क्लास जो है 10 मिनट बाद क्या होगी, वाइंड अप होगी। वाइंड अप होगी मतलब क्या होगी, समाप्त होगी। ये चाबी भरना, चाबी कैसे होता है, आपने सुना होगा कि पहले समय में है ना जो वॉचेस आती थी उनमें चाबी भरी जाती थी, उसके लिए था। इसको क्या आजकल यूज होती नहीं है, वो हटा देंगे इसको हम लोग। वीप इन्हें होता है रोना, वीप वेप्ट वेप्ट। वियर इन्हें होता है पहनना, वियर वॉर बॉन्ड। विन मतलब जीतना, वॉन वॉन वॉन। वाइंड इन्हें चाबी देना, दोबारा आ गई है। रिंग निचोड़ना, भैया रिंग फिर से आया है, देखो इधर निचोड़ना, फिर से नहीं आया, मतलब ये वही वाला पैटर्न है, यहाँ यू और यहाँ भी यू रिंग में। राइट लिखना, राइट रॉट रिटर्न, कट कट कट, कॉस्ट लागत आना, कॉस्ट कॉस्ट, तीनों देखो चारों एक जैसी है, कट कट कट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हिट हिट हट, हट हट हट। चलो अब मुझे बताओ क्या आपको इरेगुलर वर्ब समझ में आई। दो पेज हो गए, तीसरे पेज पे है आपका फील। फीड इन्हें होता है खिलाना, फीड इन्हें क्या होता है, खिलाना। इसकी सेकंड फॉर्म फैड, फील इन्हें महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट। फ्रीज जमना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। ये कैसे चला है, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है, स्पीक स्पोक स्पोकन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, ठीक है। गैट गॉट गॉट, गो वेंट गॉन, गिव गैव गिवन, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्राइंड पीसना। ग्राइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ग्राउंड, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। हैव रखना या पास होना किसी चीज का, हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड भी हैड। होल्ड पकड़ना, होल्ड हेल्ड हेल्ड। हैंग लटकाना, भाई देखो हैंग भी वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यहां ए है, हंग और हंग, ठीक है। हैंग दो होते हैं, अगर किसी चीज को लटका रहे हो तो वो हैंग होगा, टांगना जिसे कहते हैं, और किसी को फांसी दे रहे हो हैंग, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। जैसे मैंने कहा ही वॉज हैंग्ड, उसे फांसी दे दी गई, तो ही वॉज हैंग्ड, फांसी देने के लिए जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड बनती है। लेकिन किसी चीज को आपने कहीं पर टांगा है तो हंग, हैंग, हैंग की सेकंड फॉर्म एच यू एन जी, हंग, ये होती है। चलो अगला है आपका नेक्स्ट, हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना, हाइड हिड हिडन। नील मतलब होता है झुकना, नील नेल्ट नेल्ट। कीप मतलब होता है रखना, कीप कैप्ट कैप्ट। नो मतलब होता है जानना, नो न्यू नॉन। लूज मतलब होता है खोना, लूज लॉस्ट लॉस्ट। लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न में ये टी लग जाएगा, लर्नड, और ये थर्ड भी आपकी लर्नड। ऐसे देखो लीव मतलब होता है छोड़ना, लीव लेफ्ट लेफ्ट। लीड इन्हें क्या होता है, नेतृत्व करना, लीड लैड लैड। लाए मतलब होता है झूठ बोलना, देखो लाए के दो मीनिंग होते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना एवरीबॉडी। जब आप झूठ बोलने के केस में बात करते हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा करना चाहूंगा, यस, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। देखो ये लाए है और ये लाए है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना और इसका मतलब होता है लेटना। तो जो झूठ बोलने वाला है इसकी सेकंड फॉर्म है लाइड, क्या है, लाइड, एल आई ई डी, लाइड, है ना, और थर्ड फॉर्म भी लाइड। और जो लेटने वाला है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लैन,
लेटने वाला, यू अंडरस्टैंड, कहीं पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है उसको कहते हैं लाए, ले, लेन। और ये जो ले होता है ये रखना होता है या मुर्गी जो अंडे देती है, ठीक है, उसके लिए ले होता है। मैंने कहा ले योर वेपन्स डाउन, अपने हथियार नीचे रख दो, तो ले योर वेपन्स डाउन या पुट योर वेपन्स डाउन, ठीक है। तो पुट का जो मीनिंग होता है उसी केस में ले का उपयोग होता है, एल ए वाई, ले, ले या पुट, सिमिलर मीनिंग देते हैं। और दूसरा मुर्गी जो अंडे देती है उसके भी ले यूज करते हैं। ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड भी होती है लेड। तो आपने क्या सीखा कि लाए और लाए, एक झूठ बोलना होता है, एक लेटना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लाइड, लाइड होती है और इसमें ले लेन हो जाता है। और इसी ले की सेकंड फॉर्म जब यहां उठकर आती है तो उसका मतलब रखना होता है और अंडे देना भी मुर्गी का इसी में काउंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट ये। अब देखो लूज मतलब होता है खोना या हारना, लूज यानी क्या होता है, खोना या फिर हारना, लूज लॉस्ट लॉस्ट। मेक यानी होता है बनाना, मेक मेड मैड, मीट यानी होता है मिलना, मीट मेट मैट, मीट मैट मैट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिस्टेक, मिस्टेक यानी होता है गलती करना, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। ओवरग्रो मतलब होता है अधिक बढ़ना किसी चीज का, तो ओवरग्रो, ओवरग्रो, ओवरग्रोन, ग्रो से बना है ओवरग्रो, ऐसे कम से बना ओवरकम, ओवरकम किसी चीज पर काबू पाना, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, पे पैड पैड, ये एक बार पढ़ने वाली चीज है भाई, सारी वर्ब एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी आपको। ये देखो राइड सवारी करना, राइज निकालना, रन दौड़ना, शैक शुक शैकन, स्ले कत्ल करना, स्ले स्लू स्लैन, स्ले स्लू स्लैन, देखो भाई स्ले कत्ल करना, स्ले स्लू स्लैन, थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो अगर देखा जाए तो, फ्लाई फ्लू फ्लॉन के जैसे है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। श्रिंक सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक, अब देखो यहां पर श्रिंक आया है, श्रिंक सिकुड़ना, इसके सेकंड फॉर्म श्रैंक, थर्ड फॉर्म श्रंक। स्टिंग दुर्गंध देना, स्टिंग स्टैंक स्टंग, ये भी वैसे काम करता है ना, ए और आई वाला पैटर्न। सिलेक्ट छाटना, सिलेक्टेड, ये भी गलती से आ गया, सिलेक्ट रेगुलर वर्ब है ये। स्टैंड खड़े होना, स्टील चुराना, स्टील स्टोल स्टोलन, स्लीप सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। स्वीप झाड़ू लगाना, सीट बैठना, सीट सेट सेट, तीनों फॉर्म एक जैसी है।